हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। और आप सभी का एग्जाम टाइम चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे विकराल बैच के स्टूडेंट होंगे, यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और उसको विजिट कीजिए। देखना हमारे प्लेलिस्ट विकराल बैच में एयरफोर्स के सभी एग्जाम्स एयरफोर्स के बाय ग्रुप के लिए सभी चैप्टर्स, मैथ के, रीजनिंग के एवं जीके के सभी क्लियर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा एलसीएम एसएफ क्लियर हो चुका है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। रेशियो प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, कल को न्यू चैप्टर शुरू होना है। और स्टूडेंट्स, आप सभी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, और उन सभी चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर के आज हम एग्जाम के हैवी से हैवी क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 177 रुपए को 1/2, 1/2, 2/3 तथा 4/5 में 3 भागों में विभक्त किया जाता है तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। मान लीजिए भाई 3 भाग हैं ए, बी और सी। पहले भाग में 1/2 रेशियो, दूसरे भाग में 2/3 रेशियो, तीसरे भाग में 4/5 हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 177 को तीनों रुपये, 177 रुपयों को, ठीक है, इनको तीनों में बराबर बराबर बांटना है, तब उसके बाद हमें बताना है कि दूसरा भाग क्या होगा। तो चलिए बांटते हैं। तो बांटने में क्या होता है, हम ये जो होती है हम इनको रियल वैल्यू एग्ज्यूम करते हैं, इनको रियल वैल्यू मानते हैं। तो यानी कि अब इसको हमने जब रियल वैल्यू माना है तो अब इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को करेंगे अब ऐड। ऐड कर दीजिए इनको। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले पदों का क्या करते हैं, नीचे वाले पदों का लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और 2 से गया ये 15 प्लस और जी 3/2 प्लस 24। इनको ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसको ऐड करने पर आएगा 5, 4, 9, 2, 2, 4 और 1, 5 59/30। तो 59/30 तो ये किसकी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई (177) के। ये जो वैल्यू हो गई ये कितनी वैल्यू हो गई, ये 177 के बराबर आ गई है। अब इसको कैलकुलेशन करना, बाद बाकी और कुछ नहीं बचा। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, बाद बाकी कुछ नहीं बचा। अब कैलकुलेशन में देखना किस चीज़ से कटेंगे, ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसमें क्या चीज़ काम आएगी, इसमें आएगी तुम्हारी फर्स्ट कैलकुलेशन काम। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जैसे काम आएगी, अब आपको निकालना किसका है, बी का, बी का निकालना है। तो बी को किस तरह से करेंगे, तो इसमें इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि इसका केवल 1 बनाएंगे, 1/177 × 30/59 और इसकी गुणा कर देंगे। जब बी का निकालना 2/3 बनाएंगे इसको 2/3, तो यहाँ पर भी 2/3 से क्या कर देंगे गुणा। तो 3 से ये गया 10 बार और इसका ये तो ये कटने का नहीं है कि इससे, ये इसको ही काट सकता है, 3 ये इसको काटता है। तो 59 × 3 एक मिनट, ठीक है, ये इसको काटेगा 3 बार, ठीक है। तो 3 × 2, 3 × 2 30 और 2, तो 2/3 = 10 × 20 = 60। तो ये 60 वैल्यू किसकी आ गई है, 2/3 की आ गई, 2/3 हमने माना था बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अगले पार्ट में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके पास कुल मिलाकर के 6300 रुपये अवेलेबल हैं, किसके पास, ए के और बी के पास। अगला कहा है कि ए की 5/19 भाग तथा राशि बी की 2/5 भाग राशि के बराबर है। यानी भाई ए का 5/19 भाग बी की, बी की कितनी, बी की 2/5 भाग के बराबर है, 2/5 के बराबर है, क्या है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसका हम कर देंगे ये a/b =
5 अपॉन 19 अपॉन 2 अपॉन 5, इसको हम इस तरह से कर देंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन होनी है वो क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 19 इंटू 2, और ये 5 पहुंच गया ऊपर, ठीक है। 5 5 25, 19 2 38, इसका हो गया ये। अब इसमें हमको डिवाइड करनी है, ठीक है। अब ये इसका एक तरह से हम रेशियो बना लेंगे, a रेशियो b इज इक्वल टू 25 रेशियो 38, ठीक है। इनका ये रेशियो आ गया, सॉरी इनका क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी रियल वैल्यू एग्ज्यूम करते हैं। तो रियल वैल्यू एग्ज्यूम करते हैं तो इन दोनों को करेंगे ऐड, 8 5 13 का 3, हाशिल लगा 1 3 और 3 6 63 इज इक्वल टू, हमने तो इनको दिए इतने रुपए, कितने 63 रुपए, लेकिन जो रियल वैल्यू सवाल में दी है वो है 6300 रुपया। इसको 1 बराबर 100 के हो गया। अब पूछा गया है सवाल में कि भाई बताइए बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास कितनी है, 38 रुपये, जबकि 38 की 100 से गुणा करेंगे रियल वैल्यू से तो क्या हो जाएगा, 3800 रुपया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए समझ में आ रहे होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और ये जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब जो कौन सा आपको स्लाइड पर मिल रहा है देख रहा है, ये क्वेश्चन भाई इतने इम्पोर्टेंट हैं, हर साल यानी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में, यकीन ना हो तो जा करके देख लेना, एक क्वेश्चन तो आपको मिलना है 100%। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से कर सकते हैं आप। जैसे कि एक बॉक्स में 180 रुपये है, एक बॉक्स है उसमें 180 रुपये यानी 180 रुपये हैं, और जिसमें 1 रुपये के जिसमें कुछ सिक्के पड़े हैं, जिसमें कि 1 रुपये के सिक्के भी हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, पी बनाता हूँ पैसे से, और 25 पैसे के भी कुछ सिक्के पड़े हैं, जबकि हमें पता नहीं कितने पड़े हैं पर पड़े हैं, उन सभी को जोड़ करके 180 रुपये बन रहे हैं, पर ये हमें पता है इसके 1 रुपये के नोट निकलेंगे, 50 पैसे के नोट निकलेंगे, 25 पैसे के नोट निकलेंगे, पर कितने निकलेंगे, वो निकलेंगे रेशियो बताएगा 2:3:4 के अनुपात में है, ये तीनों इतने के अनुपात में है। मान लीजिए हम इसको ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। अब भाई 2 रुपये यानी 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, सवाल बोल रहा है 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हुए हमारे पास, हमारे पास रुपये हुए 2, समझने का। 1 रुपये के मान लीजिए आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपये, 2 रुपये हुए नहीं हुए, तो इसी तरह से 2 रुपये हुए। अब बी बोल रहा है कि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं डिब्बे में, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 50 50 50 कितने हुए, 50 50 50 1.5 रुपया, तो प्लस के 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। ओके हाँ, अगला है 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 25 25 25 25 यानी कि 1 रुपया यहां पर है, हो गया यहां पर। अब इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को कर लेंगे हम ऐड करेंगे, तो 2 1 3, या फिर इसको हम इस तरह से लिख करके कैलकुलेशन स्लो करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हल्की करते हैं, 1.5 रुपये थे ना, तो 1 रुपया ये हो गया, इस तरह से बनाएंगे इसको। अब इसको ऐड करने में आसानी होगी, इसको जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4.5, ये 4.5 रुपये किसके हैं, ये हमारे अनुसार हैं, इन सभी की वैल्यू अनुपात में निकाल रहे हैं तब तो ये हमारे अनुसार हैं, इतने रुपए किसके, मेरे अनुसार, लेकिन सवाल के अनुसार कितने हैं हमारे पास, 180 रुपये, सवाल के अनुसार 180 रुपये हैं हमारे पास, ये जोड़ना आपको आ गया है, और जबकि हमारे अनुसार है 4.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कर देंगे हम एकदम से, इसका ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब इसको करना है 9 5 45 और 9 2 18, ये हो गया, और जी 1 = 40 के पूछा क्या है, सवाल में पूछा है बताइए 50 पैसे वाले सिक्कों की कितनी संख्या है, तो 50 पैसे वालों की कितनी संख्या है, तो 50 पैसे वालों की संख्या है 3,
सवाल में तो तीन ही बोल रहा है, जबकि रियल में कितनी है? 40। 1 बराबर 40 के, तो 3 बराबर कितने के? 3 बराबर 120 के। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे बैग में? तो 120 सिक्के होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने जितने भी एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट आते हैं उन सभी के क्वेश्चन करा दिए हैं, और पीडीएफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड करके दिए हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि पीडीएफ में यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पीडीएफ इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर ये, बस इतना लिख देना है, मैं उसको वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आगे के क्वेश्चन में इस वजह से सॉल्व नहीं करा रहा हूँ पीडीएफ के, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी किन्हीं कारणों बस यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है जिस वजह से मैं नहीं करा सकता अभी आगे के क्वेश्चन। तो आप सभी घर जाकर, घर ही हो बहरहाल, तो अपनी ये काम करिए, यदि ना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।